पे नहीं है, ये है पहाड़ के ऊपर इस तरीके की तालाब। कांकेर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये जो घर दिख रहे हैं, ये जो दुकानें दिख रहे हैं, ये सब है अपना कांकेर सिटी है। यहाँ पे भालू ही सिर्फ नहीं, यहाँ तेंदुआ भी आते हैं। तेंदुआ अंदुआ कई बार देखा जा चुका है यहाँ पे। क्या नजारा है भाई, जबरदस्त आसमान, पूरे गांव वो दिख रहा है, बस्ती दिख रहा है। ऐसा गुफा में जाना है, गुफा में मंदिर, आ जाओ आराम से। जय भोलेनाथ। और इधर सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी टाइप से बना है, पहाड़ के कटिंग से ही हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग आ चुके हैं। अभी भी भालू आ सकते हैं, अभी शाम के 5:30 हो रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं। वो देखिए थोड़े से प्यारा हुआ है, कहाँ तालाब भी है और कुछ। ओके बाय 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 बाय, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। सो अभी हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग आ चुके हैं। और अभी हम घूम रहे हैं, एक बहुत ही नामी जगह है, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जाना है, जहाँ की रास्ते कुछ इस तरीके से बने हैं। ये तो रास्ते ऐसे आ रहा है, फिर आगे से इधर दिखाइए, यहाँ से तो एंट्री गेट है, एंट्री गेट से इंटर करके फिर अपने को ऐसे जाना होगा। ऐसे ऐसे रास्ते बने हुए हैं और पहाड़ के चोटी पे मंदिर वंदिर हैं, भगवान की मंदिर है वहाँ पे। मतलब बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, जिसके लिए हम लोग रायपुर से 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। और आप लोगों को भी इस वीडियो में पूरे दिखाएंगे कैसी जगह है, फुल एक्सप्लोर करेंगे। और अभी चलते हैं यहाँ से, एंट्री का क्या सीन है, यहाँ से इंटर करते हैं। और इधर पीछे में भी बहुत बड़ी पहाड़ है, जहाँ पे मतलब ये वाली पहाड़ बहुत दूर से जुड़ी हुई हैं और आगे निकल रही हैं। और चलते हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर में, मतलब ऐसे बताते हैं लोग कि तालाब वालाब भी है, तालाब वालाब भी पहाड़ के ऊपर है, वहाँ देखते हैं। आइए चलते हैं। फाइनली अपन आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर में, और चलते हैं मंदिर साइड में। हमारे साथ में 5-6 लोग आए हुए हैं, वो लोग आगे जा चुके हैं, अभी चलते हैं हम लोग भी, देखते हैं आगे कितना दूर है भैया। 100 मीटर कैसा नीचे जाना, गुफा उफा में क्या है क्या ऐसे, आइए ना चलते हैं। अपने लोग कहाँ गए, वही है ना, हाँ तालाब भी है और कुछ। ओके थैंक यू, आज ये नीचे चलते हैं भाई, 100 मीटर अभी नीचे और जाना है अपने को। नहीं लग रहा है कि बादल बादल दिख रहे हैं नीचे, अंधेरा कोहरे टाइप से। मंदिर के पास आ चुके हैं, ऐसे कुछ जगह है यहाँ, चलते हैं अभी और नीचे साइड में जाना है अपने को। जमीन से 500 मीटर ऊपर है, और 500 ऊपर में ये जो तालाब दिख रहा है, ये मतलब नॉर्मल सरफेस पे नहीं है, ये है पहाड़ के ऊपर इस तरीके की तालाब। मतलब क्या अलग जगह है, आप लोग एक बार यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसकी लोकेशन अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। रायपुर से लगभग से 150 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और कुछ इस तरीके से है ये। हाँ, और सामने में मंदिर वंदिर है, मंदिर है, इधर साइड में भी मंदिर है और गुफा भी है। तो अभी चलेंगे गुफा में भी चलेंगे, गुफा वुफा दिखाएंगे आपको। खैर यहाँ से फ़ोटो 2-4 क्लिक करते हैं फिर। अभी अब चलते हैं दूसरे साइड में, यहाँ तो घूम लिए लोग तालाब वालाब वाली एरिया, और अभी अब चलते हैं सामने वाले एरिया में, जो कि नीचे से दिख रहा था एकदम पहाड़ के चोटी पे मंदिर, वहाँ चलते हैं अभी अपन लोग। और यहाँ पे भाई साहब बंदर उंदर पूरे हैं, ऊपर पेड़ पे डांस कर रहा है, कूद रहा है। अरे हम ना मारे, हाँ हाँ
ओके बाय 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 बाय। पहाड़ के ऊपर पहाड़ों में यहाँ भालू वालू आते हैं, भालू देखेंगे अगर भालू दिखेगा तो। सामने में मंदिर है, जय माता। ऐसे गुफा में जाना है, गुफा में मंदिर, आ जाओ आ जाओ आराम से। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और इधर सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ी टाइप से बना है, पहाड़ के कटिंग से ही, पहाड़ के कटिंग से। आइए ना, आइए चलते हैं इसमें ऊपर आराम से बच के। आ जाइए, अभी ऐसे अपन गुफा से होके आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं भाई। यहाँ से अभी आपको एक नज़ारा दिखाने वाले हैं, आप गैस करना यार। ये सामने में पूरे पहाड़ पहाड़ बादल बादल दिख रहा है। जा बाबू वहाँ खड़ा हो गया। नहीं नहीं जा पाऊंगा। वाओ, ये फ्रेंड सामने में हो। ये क्या बेहतरीन है। और अभी अपन लोग चढ़े हैं आधे पहाड़ पे, सामने में ये पहाड़। अरे वाह ये, अरे वो अटका है, वो देखिए थोड़े से प्यारा हुआ है। नीचे चलते हैं, अभी अपन वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से नीचे से गुफा में। और ये यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं भाई, गर्मी पसीना। चलते हैं यहाँ से नीचे, चलते हैं दूसरे साइड में, चलते हैं दिखाते हैं। यहाँ ये बेल की पेड़ है ना, बेल लगा हुआ है, बट हवा मस्त लग रहा है भाई। यहाँ से सामने में रोड रोड दिख रहा है, रोड रोड। गुफा जो दिख रहा है भाई, इधर अंदर से पूरे वो जुड़ा हुआ है, भालू वालू इधर से निकलते हैं और ऊपर से ऐसे कुछ है, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। खैर यहाँ रिस्क लेते नहीं है, चलते हैं यहाँ से, उतरते हैं नीचे। कभी भी भालू आ सकते हैं, अभी शाम के 5:30 हो रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ मतलब कहीं भी देखिए पत्थरों पे या ऐसे घर के दीवार पे पत्थर है, कहीं कहीं हर जगह ऐसे कुछ ना कुछ कलाकारी किया गया है, पेंटिंग किया गया है। नीचे से आने के टाइम पे भी जो रास्ते कॉर्नर कॉर्नर में जो वॉल हैं उस पे भी अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए गए हैं, जहाँ पे मतलब अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के जो अपने इन लोग का ट्रेडिशनल कल्चर होता है, उन चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, भालू होते हैं, भालू शेर तेंदुआ, इन सभी को दर्शाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और ये भी है, यहाँ पे भालू ही सिर्फ नहीं, यहाँ तेंदुआ भी आते हैं। तेंदुआ अंदुआ कभी कई बार देखा जा चुका है यहाँ पे, तो अभी खैर यहाँ से निकलते हैं बिकॉज अभी शाम होने वाला है। और अभी मतलब पहाड़ पे चढ़ते उतरते से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ ऐसे चलते हैं आगे। पहले तो चढ़ाव वाली रोड है, फिर ऐसे उतर के अपन लोग पीछे में गए थे, और फिर चढ़ के आगे जाना है। आगे चलते हैं, वहाँ बाइक क्विक रखे हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे कोई ऐसी घूमने वाली और कौन कौन सी जगह है, एक्सप्लोर करते हैं उसको। और पूरा मतलब गर्मी भयंकर हो रहा है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ कलाकारी किया गया है, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों को बनाया गया, आदिवासी लोगों के कल्चर को बनाया गया है। टाइम हो गया, यहाँ से जो भी दुकान वाले हैं या जो भी लोग हैं सब निकलना शुरू कर दिए हैं। ये दुकान वाला भी अपना सामान उठा रहे हैं। और यहाँ एक्चुअली 6 बजे शाम से फुल क्लोज हो जाता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, बिकॉज यहाँ पे जंगली जानवर वानवर आते रहते हैं, तो खतरा हो सकता है इसके वजह से। तो अभी हम लोग भी यहाँ से चलते हैं, निकलते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं भाई। यहाँ से मतलब जो गांव वाली एरिया है, मार्केट वाली एरिया है, बहुत शानदार दिखता, बहुत क्या बताएं, मतलब अल्टीमेट एकदम फुल। तो चलते हैं दिखाते हैं, इधर सामने में भी कुछ है शायद से, यहाँ से नीचे वाली एरिया दिख रहा है एकदम, यहाँ से हल्का हल्का। और नीचे नीचे चलते हैं, क्या चीज़ है, रास्ता तो जा रहा है इधर साइड में, क्या चीज़ है भैया इधर, सीढ़ी है नीचे उतरने का, सीढ़ी नीचे उतरने का सीढ़ी है बस।
ये गेट सा है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी ओढ़ी है। यहाँ से क्या नज़ारा है भाई, जबरदस्त आसमान, पूरे गांव वो दिख रहा है, बस्ती दिख रहा है, सामने में पहाड़ दिख रहा है एकदम। और ये वाली लोकेशन फुल अल्टीमेट। आ गए हैं दूसरे साइड में, वो तो रोड आए थे अपन लोग बाइक से, और ये पैदल चढ़ने के लिए सीढ़ी वाली रोड है। ये है सिंह द्वार और इधर साइड से नीचे जाते हैं। आइए नीचे साइड में चलते हैं और देखते हैं किस तरीके कहाँ से ये आने वाली रास्ता है, दिखाते हैं आपको। आइए नीचे में चलते हैं, ये चलते हैं। ये यहाँ सामने भी में भी फोटोशूट लोकेशन है, वहाँ पे अभी 4-5 जन गए हुए हैं लोग, अपने टीम के बंदे। आइए वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ से मतलब आप आते हो वहाँ नीचे से, इस तरीके से सीढ़ी वाली रास्ते बने हुए हैं जहाँ से आप आसानी से आ सकते हो। अगर बाइक से आते हो तो बाइक से भी आप डायरेक्ट यहाँ पहाड़ के ऊपर आ सकते हो मंदिर वंदिर के पास दर्शन करने के लिए। तो ये दोनों रास्ते हैं, आप जिस रास्ते से आना चाहो उस रास्ते से आ सकते हो। और चलते हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी जगह लगा, मतलब यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, और इस डिस्ट्रिक्ट के नाम आप लोग जानते ही हो, ये बस्तर से लगे हुए हैं। और इस मतलब ये हमेशा न्यूज़ में बने रहता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, कंकेर डिस्ट्रिक्ट किस चीज़ के लिए नामी है, ये आप लोग कमेंट में बताना कि किस चीज़ के लिए नामी ये डिस्ट्रिक्ट है। बट अपन लोग चलते हैं आगे में और यहाँ से दिखाते हैं। यहाँ से भी एक अलग लोकेशन है, यहाँ से जो नीचे वाली एरिया है पूरा नीचा दिखता है, बढ़िया दिखता है। आज ये इधर साइड में फोटोशूट लोकेशन है, यहाँ से अगर आप फोटो लेते हो, मतलब सामने की लोकेशन आने वाली है ये। सामने देखिए सनसेट हो रहा है और पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, 2-4 घर और दिख रहे हैं। ये जो है मतलब यहाँ की ये लोकेशन, ये जो है पहाड़ है, ये यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जस्ट पीछे में है ये पहाड़, और सामने में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ की कंकेर की। और ये मस्त लोकेशन है, यहाँ पे एक बार देखते हैं ये मतलब नदी है या नाला है क्या है, नीचे में वो पानी निकल रहा है वहाँ से। और ये अपना मतलब कांकेर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, ये जो घर दिख रहे हैं, ये जो दुकानें दिख रहे हैं, ये सब है अपना कांकेर सिटी है। इधर में तालाब वालाब है, मस्त है, मतलब ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, ठीक ठाक है, काम लायक है। ये कहाँ ज़्यादा वो दिख रहा है ना, सामने पहाड़ पहाड़ दिख रहा है। और सामने में ये लोग रहे उनका देखिए कहाँ चल रखे हैं भाई पा। अरे भाई साहब, ये लोकेशन है यहाँ की। और लाइट चालू हो गया उधर साइड में, और टाइम 6 बजने वाला है। चल भाई चलते हैं, इनका फोटो ले लीजिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही एडवेंचर प्लेस देखने को मिलेंगे आगे वीडियो में। और नहीं अपने को चढ़ उतर के थोड़ा सा आवाज़ कम आ रहा है, सो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय।